लालगंज बसंता जहानाबाद घाट पर डूबे किशोर का शव आज तीसरे दिन हरौली दियारा क्षेत्र में नारायणी नदी से बरामद किया गया, जिसके बाद शव की पहचान लालगंज के होने की आशंका पर एसडीआरएफ की टीम बसंता जहानाबाद घाट पर लेकर आई, जहां लालगंज अंचलाधिकारी स्मृति सहनी और स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना निवासी गरीबनाथ शाह के 12 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई। मामले में बताया गया कि करीब 3 दिन पहले आर्यन अपने परिजनों के साथ लालगंज बसंता जहानाबाद घाट पर एक दाह संस्कार में शामिल होने आया था। इस दौरान वह नदी में स्नान कर रहा था, तभी वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। देखते ही देखते वह लोगों की आंखों से ओझल हो गया। हालांकि इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने खोजबीन भी की, मगर कुछ पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर लालगंज सीओ स्मृति सहनी ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में खोजबीन कराई, बावजूद कुछ भी पता नहीं चल सका। इस बीच आर्यन के घर वाले काफी परेशान रहे, जिसे देख सीओ ने एसडीआरएफ की मदद से लगातार तलाश जारी रखी और अंततः तीसरे दिन हरौली क्षेत्र में नदी में उपलता हुआ शव मिला, जिसे लालगंज लाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया। सीओ ने बताया कि आपदा मद से जो लाभ पीड़ित पक्ष को मिलना चाहिए, वो लाभ हर संभव मृतक के परिजन को दिया जाएगा। आर्यन कुमार जो है वो अपने चाचा कमलदेव शाह के दाह संस्कार में आया, यही लालगंज बसंता घाट पर। तो नहाने के क्रम में बच्चा डूबा, उसके बाद हम लोग को सूचना मिला, हम लोग सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना दिए, सब लोग का सहयोग प्राप्त हुआ, खासकर एसडीआरएफ की टीम जो 2 दिन से मेहनत करके आज वो डेड बॉडी को ढूंढने में कामयाब हुए। ये हरौली के आसपास जी लाया गया है, इसके बाद थाना के द्वारा पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो। ये सर्च के दरम्यान में ये बॉडी मिला है शिकारपुर के आसपास में, कम से कम घटना स्थल से 10-12 किलोमीटर दूरी होगा वहीं पर। ये तो परसों से ही चल रहा है इस सर्च अभियान, इसका आज इसमें सफल हुआ है। बॉडी को अभी अपने घटना स्थल पर ही है, बुलाया हुआ था एनडीआरएफ के द्वारा ही खोजा गया। ये 3 दिन से एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा पाई गई है और मुझे बताया गया है, जैसे जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये हरौली के पास बॉडी मतलब पाई गई है, जैसे सूचना मिली हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए और बाकी के प्रकार बॉडी रिकवर हो गई, आ गई है। मशक्कत तो काफी दिन रात टीम लगी रहती है, जिस दिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था परसों, उस दिन से फिर कल पूरा दिन, उसके बाद फिर आज भी हम लोग को ट्राई किए नहीं कि शायद आज जब बॉडी वो संभावना है कि मिल जाएगा, तो फिर आज फिर हम लोग ट्राई किए और हम लोग को सफलता मिल गई है। एसडीआरएफ की टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, बहुत लगी रही, हम लोग भी इसके पीछे प्रयासरत थे, बार रोज रोज जानकारी ले रहे थे कि क्या है स्टेटस। हाँ, एसओपी के तहत जो भी उनका जो गाइडलाइंस है आपदा का, उसके तहत हम लोग उनको मुआवजा जरूर प्रदान करेंगे। अभी थाना आएगी, उसका पोस्टमार्टम हो, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।